बातचीत होती है राहुल वैद्य और रूबीना दिलैक के बीच में, लेकिन क्या पर्सनल बातें करते हैं ये? जी हाँ, राहुल वैद्य अपनी पर्सनल बातें तब कर रहे थे जब रूबीना दिलैक, राहुल महाजन, निक्की तंबोली, अली गोनी ने एक बात छेड़ दी और राहुल वैद्य के करियर के बारे में बातें करनी शुरू की। उसके बाद तो उन्होंने अपने लाइव कॉन्सर्ट्स की बात बताते हुए सारा का चारा, जो छिट्ठा है अपना, जो करियर का, अपना पर्सनल, अपना प्रोफेशनल, वो खोल दिया। क्या खोला उन्होंने बात बताएंगे, लेकिन दोस्तों ये है लाइव स्ट्रीम अपडेट, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बॉलीवुड हेल्पलाइन, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो इस वक्त हो रही है बिग बॉस के घर के अंदर। हो सकता है आप ये आज रात को देखें या कल रात को, लेकिन हम आपको बताएंगे टीवी से 24 घंटे या 12 घंटे पहले। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, खमागिनी, केम, चोके, रोहाल, कसा काय, मैं हूं करण रजानी, आप देख रहे हैं बॉलीवुड की खबरें लगातार हमारे साथ हमारे चैनल बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर करियर की बात चल रही थी कि राहुल वैद्य, क्या तुमने कभी कुछ गाने लिखे हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें आगे जाकर कुछ और लाइव कॉन्सर्ट्स करने चाहिए या खुद का कुछ काम करना चाहिए? ऐसे में वो बता दे, ये मेरा पीक सीजन था अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। जी हाँ, बिल्कुल सही, हम भी एज एन एंकर, एज अ गेम होस्ट, एज एन एंकर, एज एन एमसी, एज ए कंपेयरर अगर मैं बात करूं तो हम यहां पर सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, यहाँ तक के जो पीक पीरियड्स हैं इसको मानते हैं। दिसंबर में अगर मैं आपको बात करूं, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर एंड 24-25 दिसंबर, ये दिन ऐसा होता था जिस दिन हम कभी भी खाली नहीं बैठते थे, लेकिन ये साल ऐसा आया है कि भैया बड़े बड़ों को खाली बिठा दिया है। ऐसा ही कुछ राहुल वैद्य कहते हैं कि मैं लाइव कॉन्सर्ट्स करता था इस टाइम पर, लेकिन मेरे लाइव कॉन्सर्ट्स अब बंद है क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है और सारे के सारे काम बंद है। लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि लाइव कॉन्सर्ट जब मैं कर बाहर निकलता था तो मैं एक एज अ परफॉर्मर नहीं निकलता था, मैं वहाँ से एज अ फैमिली बनकर निकलता था। जी हाँ, बिल्कुल, मैं भी यही सोचता हूँ कि अगर मैं आपके साथ यहाँ पर हूँ तो आप लोग मुझे अपनी फैमिली में शामिल करें, आपके भाई जैसा, आपके बेटे जैसा या कोई भी आपके दोस्त जैसा आप मुझे रखें, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट हमें आपका परिवार बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर हम आपके परिवार से नहीं जुड़ेंगे तो दोस्तों आप हमें समझेंगे कैसे? ऐसा ही कुछ राहुल वैद्य अपने बारे में बताते हुए कहते हैं कि भाई मैं सिर्फ परफॉर्म करके निकल नहीं जाता था, मैं फैमिली बन के निकलता था। तो दोस्तों ये है असली आर्टिस्ट की पहचान। मैं हमेशा कहता हूँ असली आर्टिस्ट वो होता है जो फैमिली के साथ फैमिली बन जाता है, चाहे वो दूसरों की हो चाहे वो अपनी हो। आप क्या सोचते हैं दोस्तों, ज़रूर बताएं कॉमेंट सेक्शन में लिख के। मैं हूँ एंकर करण रजानी फ्रॉम बॉलीवुड हेल्पलाइन, टेक केयर एंड गुड बाय।